हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे लाइक देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक और इतना सारा स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का लाइव ना बहुत ही यूनिक है, यूनिक भी है, स्पेशल भी है, बिकॉज इट इज लाइक अ गिफ्ट टू यू ऑल। आज का जो लाइव है ना उसमें हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट है वो प्रेडिक्शन करेंगे न्यू ईयर में हमारी राशि में क्या क्या है, क्या क्या हमारे लिए अनफोल्ड है हो सकता है, वो सब वो बताएंगे। और आज के लाइव में चार मेन राशियां हैं जिसके बारे में बात करेंगे अबाउट बिजनेस, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड, लव रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, यू नो, एंड एवरीथिंग, एंड रेमिडीज भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, यू नो। तो आज का जो लाइफ है ना वो अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आज का जो लाइफ है ना वो ये चार राशियों के लिए है, वो है एरिस, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। वो हिंदी में बोलते हैं इसे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। ये चार राशियों के बारे में आज हम डीप में बात करेंगे। अगर आप में से किसी की भी ये चार राशियां हैं तो ज़रूर आप ये लाइव देखें, आपको बहुत फायदा होगा। हम हमारे गेस्ट को ऑन कैमरा ला रहे हैं, सो वी आर एडिंग आवर गेस्ट एंड विद इन फ्यू मिनट्स। हेलो नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मस्त मस्त तो रहना चाहिए ना, हमारा काम ही है मस्त रहना। मस्त खुद भी रहना और लोगों को भी मस्त करना। राइट। एक सेकंड नेहा जी, मैं एक चीज नहीं कर रही हूँ। हाँ हाँ बात नहीं, वो हो नहीं रही है सेटिंग। ओके वापस ट्राई करो। बराबर है? ओके। तो गेस्ट, हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं। और दोस्तों आप लोग को जो भी पूछना है, आप कोई भी क्वेश्चंस है आप जरूर पूछ सकते हैं, जैसे हमें टाइम रहेगा या जिस तरह से रहेगा बीच में हम बताते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेहा जी आप मेरा लाइव बराबर देख पा रहे हैं क्या? आई थिंक मेरा लेट आ रहा है। नहीं बराबर है बिल्कुल। इट्स राइट। ओके अभी हो गया लाइव, क्योंकि मैं अपना ये बहुत लेट देख रही हूँ एक्चुअली। ओके थोड़ा सा शायद नेटवर्क जो है ना वो बीच में तुम्हारी तरफ से शायद मे बी। आई थिंक सो। नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना अच्छा गिफ्ट सबके लिए लाने के लिए। और वी आर रियली सुपर डुपर एक्साइटेड, एक्चुअली सारे बहुत एक्साइटेड है। तो यू नो बहुत कुछ जानना है, क्योंकि 2020 तो आपको पता ही है कैसा गया ये साल। तो अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, व्हाट अनफोल्ड्स, यू नो एवरीबॉडी हैज दैट क्यूरियोसिटी टू नो कि क्या होने वाला है। तो आज जैसे मैं हमारे ऑडियंस को बताई थी कि आज चार राशियों के बारे में बात करेंगे, तो आप करते हैं हम अपना लाइव, बिकॉज हमारे गेस्ट भी आ गए हैं।
अच्छा नेहा जी, सबसे पहला सवाल मुझे ये पूछना है कि ये बर्थ डेट के हिसाब से है राशि की, ये नाम के हिसाब से है ये राशि? देखो आज जो हम देखने वाले हैं वो सन साइन के हिसाब से देखने वाले, मून के हिसाब से नहीं देखने वाले हैं, ठीक है? एक जैसे हम जो देखते हैं हिंदुओं में जो चीजें देखी जाती हैं ये सब, वो देखते हैं कि जहां पे आपकी मतलब चंद्रमा आपके जिस घर में आकर के बैठा है, जिस राशि के साथ आके आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, उस हिसाब से आप बोलते हो कि आपकी कुंडली तैयार होती है और आप बोलते हो कि हाँ भाई ऐसी आपकी राशि है, ये है, ठीक है? वो हो जाता है चंद्र के हिसाब से, मून के हिसाब से देखना। आज जो हम देखने वाले हैं वो सन के हिसाब से देखने वाले हैं, आपके नाम के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो हम देख करके बात करेंगे। और जो भी आज हम प्रेडिक्शंस, जो भी राशियों का आज करने वाले हैं, जो हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ये सब टैरो के थ्रू ही होगा। टैरो के थ्रू ही हम जानेंगे कि कैसा आगे वाला जो आने वाला साल है वो सारी राशियों के लिए कैसा रहेगा, और क्या-क्या चीजों पे ध्यान देना है, और हम क्या-क्या कर सकते हैं, और बहुत कुछ जानेंगे, छोटी-छोटी चीजें। राइट, नहीं बहुत बढ़िया। एक्चुअली वी आर सो सुपर डुपर एक्साइटेड टू नो कि क्या होने वाला है। स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं। सबसे पहले एरिस, हिंदी में मेष कहा जाता है जिस राशि को, तो उस राशि के बारे में उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये नया साल कैसा अनफोल्ड होने वाला है? देखो हम जो भी राशियों के बारे में बात करेंगे, जो भी राशियां हैं वो एलिमेंट्स पे डिवाइड की हुई हैं। जो भी राशियां हैं, 12 राशियां होती हैं, उनको एलिमेंट्स बांटे गए हैं कि कौन सा एलिमेंट किसका है। जैसे वाटर एलिमेंट है, फायर है, फिर अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब ये हो जाता है कि ऐसी राशियों का जो भी एलिमेंट रहता है, जो भी जिस राशि का होता है उस पर उसका असर रहता ही है, उसका स्वभाव थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा नेचर उनका मिलता है। वैसे ही जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जो हैं वो फायर एलिमेंट में आ जाते हैं, जिसको हम अभी एरीज कहते हैं। ओके, तो इस राशि की खासियत होती क्या है, जो इस ये जो एलिमेंट है इसके जो बंदे होते हैं उनका नेचर क्या होता है, तो ये बहुत ही डायनेमिक होते हैं। और फायर का पैशनेट, मतलब ही क्या होता है कि पैशनेट हाँ होते हैं, लेकिन बहुत ही टेम्परामेंटल होते हैं ये, और बहुत जल्दी ये गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। तो अभी हम इनके बारे, ये तो हो गया छोटा मोटा, क्योंकि हम बहुत डीप में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत हम स्वभाव के अनुसार भी समझ सकते हैं कि इसी नेचर की वजह से, इसी बिहेव की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं। हाँ क्योंकि जल्दी गुस्सा हो जाना और वो सब, जल्दी काम बिगड़ जाते हैं, राइट? हाँ, जल्दी बिगड़ जाता है, जल्दी एक्शन में आ जाएंगे, पैशनेट, किसी भी चीज के पीछे लग गए तो लग गए, तो ये भी उनके लिए बहुत तकलीफ की बात हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद उनको रियलाइज होता है कि क्यों लगे, ये तो बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में रियलाइज होता है। तो अभी हम मेष राशि के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम पहला उसके बारे में जानेंगे कि इनका जो मेष राशि वाले हैं उनका सुबह मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक है? तो हम कुछ कैसे? चीजों के बारे में जानेंगे। तो उनका जो स्वास्थ्य है, अभी जो लास्ट ईयर जो इनका अभी ये चल रहा है, उन्होंने बहुत सारे अप डाउन्स भी इस राशि वालों ने देखा है, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है ये जो नया साल आने वाला है। हाँ, और बहुत जगह पे वो देखेंगे कि जो इन्होंने इस बार गलतियां की हैं, वो गलतियां ये की हैं कि उन्होंने पानी पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो अब की जो अभी नया साल आने वाला है, तो उनको थोड़ा अपनी हेल्थ पे बस ये ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा वो बराबर तरह से लें, जिससे क्या है पानी पिएंगे तो थोड़ा शांत होंगे, सही तरीके से वो सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। दूसरा ये कि खाने पे थोड़ा उनको ध्यान देना है आने वाले साल में, मेष राशि वालों को खाने पे तो ध्यान देना ही होगा, अगर वो खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनको तकलीफ आ जाएगी। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, पानी उनको पीना है, खाने पे ध्यान देना है, यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल करके खाना है। और क्योंकि इनके अंदर क्या होता है ना, इनको बहुत ज्यादा हर चीज के लिए जल्दी 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 हो जाती है थोड़ा, तो
तो इसके लिए वो जो खाना भी खाएंगे वो निगलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, निगल लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से चबा के खाना है और सोच समझ करके खाने पे ध्यान देना है। अब हम इनके बारे में आगे जानते हैं, ये तो स्वास्थ्य के हिसाब से हो गया। बताना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को मेष राशि मींस एरिस, तो इट्स अ एरिस, एरिस इन हिंदी एंड मेष इन एरिस इन इंग्लिश एंड मेष इन हिंदी। तो नेहा जी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा मेरा स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं ये चाहूंगी कि मैं एक मिनट ऑडियंस से पूछ लेती हूँ, आप में से कोई बता सकते हैं कि नेहा जी का और ये टेलीकास्ट प्रॉपरली आ रहा है? बिकॉज मेरे यहाँ से स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ यस या नो या व्हाटएवर, कि टेलीकास्ट स्लो दिख रहा है मुझे यहाँ से। चलो ठीक है, देखेंगे, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यस, तो मतलब ये सही आ रहा है, राइट? ओके, चलो, थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो नेहा जी फिर इनकी यस परफेक्ट है, ओके थैंक यू सो मच। तो नेहा जी फिर इनकी ये आगे इनके मतलब जॉब रिलेटेड या मनी बिजनेस रिलेटेड ये 2021 कैसा रहेगा? देखो इनको जो अगर हम व्यापार की दृष्टि या नौकरी की से के हिसाब से हम बात करते हैं तो इनको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है व्यापार में या नौकरी में, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं या जो भी बिजनेस में हैं, बिजनेस रिलेटेड जो भी वो काम कर रहे हैं तो उनको मिल जुल कर के अगर वो काम करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर उनके दिमाग में ये चल रहा कि मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना है या कुछ काम करना चाहते हैं तो वो उनके लिए अच्छा टाइम है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन उनको बस यही ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टनर के साथ काम करते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप में वो काम कर सकते हैं, मिल के काम करना है। और अगर वो नौकरी में है, नौकरी कर रहे हैं तो वो जहां पे भी हैं वहां के लोगों से इनको बना के रखना होगा, तभी उनकी उन्नति होने वाली है। अगर वो किसी के साथ भी पंगा लेंगे या अटकते हैं तो फिर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो उनको ये चीजों पे भी ध्यान रखना है कि मिला जुला के काम करना है, लोगों के साथ मिल करके काम करना है मेष राशि वालों के लिए। और साथ में ये भी दिख रहा है कि उनकी उन्नति तो होनी है, यानी कि उनको ग्रोथ होगी और सेविंग्स कर पाएंगे वो। वाओ, तो मेष राशि वालों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2021 में। 2020 कैसा भी गया हो, 2021 इज अनफोल्डिंग वेरी गुड फॉर यू। सो मनी रिलेटेड सेविंग्स भी होगी, मतलब अर्निंग्स अच्छी ही होगी, राइट? ये तो खुश हो गए सारे। देखो क्या है कि सब बातें सबके लिए नहीं होती हैं। तो मेष राशि वाले की अगर तुम लव लाइफ की बात कर रहे हो तो उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत खुल के बात नहीं करनी है। जैसे होता है ना कि हर दिल की बात बोल ही देते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको, बात करनी है लेकिन उसका एक मतलब एक दायरा रखना है कि मैं बातें यहाँ तक तो करूं लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खुल ही जाऊं। तो वो उनको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खुल करके अपने होने वाले पार्टनर से, क्योंकि लव का मतलब ये हो जाता है कि अभी आप लव लाइफ में हैं, आगे हो सकता है कि आप मैरिज का प्रोग्राम बनाए कि चलो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीजों में संभलना है कि बहुत ज्यादा हर बात खुल के नहीं नहीं बोलनी है, ठीक है? हाँ हाँ, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सब दे देना है लेकिन थोड़ा सा बचा के रखना। ओके, तो दोस्तों सुना, यू हैव टू बी लिटिल, यू नो, लिटिल नॉन वल्नरेबल, मतलब ज्यादा वल्नरेबल नहीं रहना है आपको, थोड़ा सा आपको ये करना है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। और जो शादीशुदा मतलब जो वैवाहिक जीवन में है, जो अपना काम मतलब जो शादीशुदा हैं, जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जो अभी आगे आने वाला साल है वो बुद्धि का साल है, मतलब हर किसी का दिमाग तो चलने ही वाला है, ठीक है?
अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो मेष राशि वाले हैं वो फायर एलिमेंट के हैं, ओके okay, एक फायर और ऊपर से दिमाग लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ऐसे केस में लड़ाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं उनमें हो सकता है नोकझोंक हो। तो मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बात अपने पार्टनर को रखनी है, लाइफ पार्टनर को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को रखनी है, तो आपके मन में जो भी बातें हैं पहले उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाओ और पहले आप समझ लो कि आपको क्या बोलना है, उसके बाद उस बात को रखो। तब तक आपका आधा गुस्सा खुद भी शांत हो चुका होगा, मतलब बेसिकली कोई आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा अच्छा खासा रहेगा। ये थोड़ा ध्यान देना है उनको। देखो जो स्टूडेंट है उनको तो इस बार मन लगा के पढ़ाई करनी है, मेष राशि वालों के जो भी हैं कड़ी मेहनत करनी है, मतलब उनके लिए क्या है, कड़ी मेहनत है। किसी को होता है ना कि किस्मत से मिलता है, तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ी कड़ी मेहनत है, कड़ी मेहनत करके ही वो पाएंगे विद्यार्थी। और अगर कोई चाहते हैं कि बाहर जाकर के अपनी स्टडी, जैसे होता है कि चलो भाई अब तो मुझे अब्रॉड जाना है, तो वो उसके लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं, विदेश का प्रोग्राम बन सकता है। जो भी चाहते हैं हायर स्टडी के लिए बाहर जाना, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं ये, तो वो जा सकते हैं। और वैसे विदेश यात्रा के चांसेस हैं लोगों के, मतलब जो भी मेष राशि वालों को हो सकता है मौका मिले बाहर जाने का, हाँ हाँ वो उनके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, बिल्कुल है वो चीज है। देखो मेष राशि वालों को थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा जो भी काम कर रहे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और उनको जो भी काम करना है मेष राशि वालों को, वो अपने दम पे ही करना है, भाग्य के भरोसे बहुत नहीं बैठना है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है ध्यान देना। जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे और जो दम पे करेंगे उनको सफलता मिलनी है, ये उनको ध्यान रखना है। अच्छा, और जैसे उनके लिए ध्यान, अब जैसे जितनी भी राशियां हैं सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, अगर हम पर्सनल बात करते हैं, हर एक इंसान की बात करते हैं, तो इंसान के जो भी डेट ऑफ बर्थ चार्ट रहती है, जो जन्म पत्री रहती है, उसमें बहुत सारे ग्रह अलग अलग बैठे होते हैं। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो मेष राशि वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका ये साल अच्छा जाए, अगर वो कुछ उपाय के तौर पे करना चाहते हैं, तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो हनुमान जी उनके लाइफ में जो भी अभी छोटी मोटी जो भी परेशानियां आएंगी वो आराम से वो हैंडल कर लेंगे, अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये करना है कि मेष राशि वालों को अपने भाई बहन के साथ रिश्ते बना के रखने हैं, बॉन्ड रखना है। हाँ, अगर वो अब चाहे वो कजन हो कोई, अगर उनके साथ वो बना के रखते हैं तो वो देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी ना वो आराम से निकल जाएगी। अगर वो भाई बहनों से पंगा लेंगे तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी। वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि भाई बहन से पंगे नहीं लें, उनसे दोस्ती बना के रखें, बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, हनुमान जी को खुश करें। और ये भी कर सकते हैं कि हर मंगलवार को रेड मसूर की दाल आती है, ठीक है, लाल मसूर की दाल आती है, तो वो चाहे तो ट्यूसडे को हनुमान मंदिर में जाकर के वो डोनेट कर सकते हैं, जब जब उनका दिल करे तो वो करते रहें, तो भी बहुत सारी इनकी परेशानियां बलाएं तो निकलती रहेंगी। बहुत अच्छा दोस्तों, आपने सुना ना, जिनकी भी राशि मेष है उनके लिए नेहा जी ने इतना बढ़िया बताया, उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर, उनका जॉब रिलेटेड, उनकी मनी रिलेटेड चीजें, और ओवरऑल उनकी हेल्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज बताई जो हनुमान जी की प्रेयर करने के लिए, और जो भी उन्होंने बताया वो सब आप करें, एंड सी दिस 2021 विल अनफोल्ड अमेजिंग फॉर यू ऑल, रियली अमेजिंग फॉर।